celebrate. But oh, Christmas tree. Good morning, प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे. समय हो चुका है डेढ़ बज चुके हैं और हिम्मत का स्कूल ऑलरेडी फिनिश हो चुका है क्योंकि आज से उसकी छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं. उसकी अराउंड 15 छुट्टियाँ हैं क्रिसमस की. सो उसका स्कूल आज जल्दी फिनिश हो गया एंड अब वो अपना थोड़ा मी टाइम स्पेंड कर रहा है. मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की पर उसे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए. मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसको बहुत परेशान किया एक्चुअली, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले. Why? Mama, you go to the be careful. It's so expensive. They're like... They're flying everywhere. Mama, please forgive me. It's going to be slippery. Sir, what is happening in the city? There's one girl. She's making videos everywhere, every city. And she's never stopping. No, she's an evil YouTuber. She's making everything and destroying everybody. And she's not giving me a personal space. Oh man, sorry. No. Oh, मुझसे परेशान होकर अपस्टेयर जा चुका है. उसने अपनी टीचर को गुड बाय कह दी, सबको मैरी क्रिसमस एंड एवरीथिंग. सो उन सारों ने काफ़ी समय लगाया आज गुड बाय करने के लिए. हर बच्चा हर एक को गुड बाय बोल रहा था. मज़ेदार था उनका गुड बाय वाला. सो टीचर, मिस यू टीचर. ओके, सो दिन के लिए मैं रेडी हूँ. आज मेरी कोशिश होने वाली है कि जो भी मैंने रेसिपीज की वीडियो शूट की हैं, जो मैं मेरे कुकिंग चैनल पे अपलोड करना चाहती हूँ, उनको मैं एडिट करूँ. एक आधी रेसिपी को एडिट करके मेरे कुकिंग चैनल पे अपलोड करूँ. पता नहीं कौन सी करूँगी, मेरे पास 2-3 रेसिपीज हैं ऑलरेडी. एंड ऑल्सो मेरी कोशिश है कि मैं इंस्टाग्राम वाला जो कॉन्टेंट है उसको भी एडिट करूँ. और आज के व्लॉग को भी मैं अर्ली ही एडिट करना शुरू कर लूँगी. कल मेरी तबीयत अच्छा नहीं थी तो हमने डिनर में चाइनीज खाया था. वैसे मैं खाना नहीं चाहती थी पर हस्बैंड एंड हिम्मत बहुत परेशान कर देते हैं. बार बार अपस्टेयर आते रहते हैं. बीमार होने से मुझे अच्छा लगता है कि ठीक हो और इन दोनों को मैनेज कर लो, क्योंकि इन दोनों को पता ही नहीं चलता है क्या करें. अगर फूड बाहर से भी लेके आते हैं तो ये कमले हो जाते हैं, कितने प्लेट है, कहाँ चम्मच है, कुछ भी पता नहीं है इनको. सो उस चीज़ से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ. और हिम्मत को ऐसे लगता है कि मम्मी अकेली है. वो बेचारा बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड कंपैशन दिखाता है एंड वो ऐसे करता है. कल वो ऐसे कर रहा था कि अपस्टेयर आया कि मम्मी डैडी फूड लेके आए हैं, प्लीज़ नीचे आके खा लो. मैंने कहा कि मैंने नहीं खाना. तो नीचे आके अपने डैडी को झूठ बोल रहा है कि मम्मी बहुत क्राई कर रही है, वो बहुत सैड है. गो एंड क्विकली शो हर सम लव, उसे लेके आओ, गो गो, शी इज़ डाइंग. कितना ज़्यादा ड्रामेटिकली अपने डैडी को डरा रहा था कि डैडी जाए. उसे लगता है कि अगर डैडी आके मुझे लव शो करेगा, कंपैशन दिखाएगा और मेरी टेक केयर करेगा और मुझे अच्छा फील होगा. सो वो ऐसे ट्रिक करता रहता है. पता नहीं वो इतनी चीज़ें कहाँ से लेके आता है और वो ट्रिक करके अपने डैडी को पुश करता है. अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, उसके पास जाओ, वो रो रही है, उसके पास जाओ. मैं रो भी नहीं रही थी और मैं बिल्कुल नॉर्मल थी. इन दोनों ने परेशान कर दिया कि आके फिर मैंने फिर खाना खा ही लिया. वैसे मैं खाने वाली नहीं थी पर इन दोनों ने जबरदस्ती करके खिला दिया. तो हिम्मत ऐसे बहुत करता है, जो कि प्यारा है बहुत, कि कितना लव दिखाते हैं और अपने डैड को भी पुश करता है कि तुम दिखाओ. सो वैसे तो मुझे कोई बैड एंड सैड फीलिंग नहीं थी. मैं सिर्फ सोना चाहती थी और मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी. सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था पर इन दोनों ने परेशान कर दिया. सो इनका परेशान करना भी वैसे हम बुरा नहीं मान सकते क्योंकि
वो भी अच्छा लगता है आपको, यू नो, अगर आपको कोई प्यार दिखाता है तो. सो ये है स्टोरी कल की. आज मुझे डिनर की चिंता नहीं है क्योंकि अर्लियर ही मैंने कुक कर लिया था राजमा एंड राइस एंड सैलड एंड ऑल्सो डिलिशियस मिंट चटनी. यू कैन कम, आई प्रॉमिस आई वोंट डिस्टर्ब यू. आ रहा है, मैं वीडियो को एडिट कर रही थी, अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ ऐसे बनाना पड़े हैं जो बहुत ज़्यादा राइप हो चुके हैं, जिनको या तो मुझे गार्बेज में फेंकना पड़ेगा या फिर बनाना ब्रेड बनानी पड़ेगी. पिछले कई समय से मैं बनाना सेव करके रख रही थी, बनाना ब्रेड बना नहीं पाई तो मैंने उनको फ्रीज कर लिया. पर इनके साथ हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम क्विकली बनाना ब्रेड बनाने वाले हैं जिसकी रेसिपी भी हम हमारे कुकिंग चैनल अपलोड कर देंगे. बनाना ब्रेड ऑलरेडी ओवन में है, सो इसमें आप अपनी मन मर्जी की इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं. बनाना ब्रेड में वॉलनट बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास वॉलनट थे नहीं तो मैंने ऐड नहीं किए, सो मैंने चॉकलेट्स ऐड कर दी. सो आप अपनी मन मर्जी की इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें और अपनी एक सिग्नेचर बनाना ब्रेड बना सकते हैं. दैट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट बनाना ब्रेड. और मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेस कर ली है क्योंकि आज मैं प्लांट्स को पानी भी दे रही थी और मैंने अर्लियर कुक भी किया था राजमा. सो मैं क्विकली इस एरिया को कर देती हूँ क्लीन, उसके बाद हम हमारी एडिटिंग को जारी रखेंगे. पहले आज बहुत अच्छा सनी दिन है आज. शुरुआत दिन की बहुत ग्लूमी हुई थी बट लेटर सन आ गया था और जब सन आ जाता है तो मज़ा आ जाता है. अब सन नीचे जा रहा है, डूब रहा है, पर यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी है. रोशनी में मुझे अलग से एनर्जी मिल जाती है चीज़ें करने की. सो जब तक रोशनी है तब तक मैं मेरी किचन को अगर क्लीन कर लूँ देन आई एम डन, क्योंकि फिर डिनर तो हस्बैंड खुद भी खा सकते हैं क्योंकि सब कुछ रेडी है. देन मैं इस एरिया से डन हो जाऊँगी, फिर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगी मेरे काम की तरफ क्योंकि आज एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा मटीरियल है मेरे पास. ऑलराइट दोस्तों, बनाना ब्रेड तैयार हो चुकी है. अब हम सर्व करेंगे बनाना ब्रेड पत्ती को बटर लगा के. वैसे भी पत्ती को बटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है दोस्तों. पत्ती बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहते हैं, बटर से वो थोड़ा स्मूथ हो जाते हैं. जल्दी से उनको देते हैं बटर लगा के और उनकी रिव्यूज़ लेते हैं कि उनको हमारी बनाना ब्रेड कैसी लगी. ऑलराइट दोस्तों, हस्बैंड पहले आके कह रहे थे कि चाय पीनी है, मैंने बनाना ब्रेड बनाई है. मैं सोच रही हूँ उसके साथ थोड़ी थोड़ी स्टीप टी पी लेते हैं, वैसे भी 6 बजने वाले हैं और जो हमारी देसी चाय है उसको हम ऐसे बना के पीते हैं कि फिर भूख हमारी मर जाती है. सो हम क्या करेंगे, नन्नी नन्नी से स्टीप टी पीते हैं और बनाना ब्रेड. गाइस, ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और शुगर भी परफेक्ट है, ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है. दिस इज़ अ परफेक्ट बनाना ब्रेड स्लाइस फॉर पत्ती.
गाइस पति आज पांडे मांझ रहे हैं। पाप चढ़ता है पति को पांडे मांझो। पति पांडे मांझ रहा है नंबर वन पति चला का। पाप चढ़ता है पति देवी है। दोनों पाप चढ़ेगा आपके बंदों को अगर आप नहीं खाओगे पांडे मांझो। पांडे बर्तन बर्तन मांझो पांडे मांझो की मांझो पांडे बर्तन मांझो क्यों तुम्हारे पांडे क्यों पांडे क्यों क्यों बांधे बांधे बर्तन बांधे मांझो बांधे आप चढ़ेगा आप औरतों को अगर पति को बांधे मांझी के लिए क्यों बांधे बांधे समझने भी बांधे ना कोई मीनिंग ही नहीं ना पाओ बर्तन कहीं ना होगा गाइस आज का वर्ड ऑफ द डे बांडे अगर आपको हिंदी अच्छी तरह नहीं आती तो सीख लें बांडे हो रहा है दोस्तों अपने पतियों से बांडे मत मजवाइए बर्तन मजवाइए मिमी और Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. समय सिर्फ 8:50 हुए हैं। आज का व्लॉग भी अब जा चुका है, मेरी किचन का काम भी ऑलमोस्ट फिनिश है। सो हम लोग करेंगे चिल, नेटफ्लिक्स एंड चिल। एक्चुअली जो चीज़ मेरे हस्बैंड देखते हैं बहुत टाइम वो देखती नहीं हूँ। सो मैं अपना नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँगी मेरे लैपटॉप पे, हस्बैंड टीवी पे करेंगे। सो यस, इसी तरह हम स्पेंड करेंगे हमारी बची हुई इवनिंग को। आज हमें ज़्यादा जल्दी सोने की भी चिंता नहीं है क्योंकि हिम्मत का स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं और हिम्मत की 15 हॉलीडेज है। हिम्मत थोड़ी देर मेरे साथ एक्स्ट्रा जाग सकता है। And yes, you can stay with me a little bit more now and we guys can watch movie or have fun and party 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 guys hamara bandiya wapas hi nahi aa raha bande maarne wala okay pyare dosto to isi tarah aaj ka vlog से हम डन होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने आज के व्लॉग को पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अपनी इंट्रो की वीडियोस भेजना बिल्कुल बंद मत कीजिए क्योंकि आफ्टर व्लॉग मेस भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जब आप मेरा व्लॉग शुरू करते हैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Hello.